गुड मॉर्निंग गाइस, जय माता दी। सो आज का नया ब्लॉग है ब्लॉग नंबर 3। सो वी आर ट्रैवलिंग टू वैष्णो देवी फ्रॉम दिल्ली और दिस कार विल बी ट्रैवलिंग। और ये हमने नया ड्राइवर रखा है, देखिए बेटा ढंग से करो। क्या ढंग से करो? ही इज अंकित गुप्ता से हेलो। जय माता दी। अभी देख नहीं रहे, थोड़ा सा लो लाइट्स के कारण, थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। सो अपनी जर्नी थोड़ा स्टार्ट करते हैं। यस प्लीज। यस जय माता दी। So we have finally started refill time and I guess our journey जो रहेगी तकरीबन 700 किलोमीटर की रहेगी। What is going on? मेरा दोस्त as usual गाड़ी साफ करने के चक्कर में घूम रहा है। भाई गाड़ी तो साफ कर ले, शीशा साफ कर ले। हेलो, तेरी शक्ल नहीं देखी थी इसमें। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Hey, it's me Ankit. How are you? Today, all. Jai Mata Di. Jai Mata. So it's gonna take while, maybe like 12. Abhi time hua hai. Sawa chaar. Maybe hum takriban 5 ya 6 baje 12 ghante ki drive mein Katra pahunche. We'll see how we go. Tab tak ke liye see ya. Hame raste mein ek aur dost ko uthana hai. Uska naam bhi Ankit hai. Dono ka naam Ankit Gupta hai. So वो तो तकरीबन तैयार हो चुका है। विल टेक अराउंड लाइक 10 मिनट्स टू रीच हिम। सी या गाइस। चल रहा है। वो की गाड़ी ये 3000 टॉप फुल। अब इंट्रोडक्शन। जय माता दी। हेलो गाइस। अबे इधर आओ डार्क। हेलो भाभी। हेलो हाय गाइस। मैं 12:30 अंकित गुप्ता। अंकित गुप्ता संजय सिसोदिया। चलो गाइस जय माता दी। बाय बाय। अब यही काम करने रह गए हम। चलो नए ड्राइवर। बाय 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 बाय। ऑल द बेस्ट गाइस। निकल जाना आगे। अच्छा क्या रास्ता क्या हो गया? समोली तुझे पता है कहाँ पे? अबे वो जाता नहीं है, पंजाब वाली है ना ये। बस हम रास्ता भटक चुके हैं, दिल्ली से भी निकले नहीं है और अभी दिखा रहा है हमें 11 घंटे 8 मिनट 608 किलोमीटर बाकी है। वेरी कंफ्यूजिंग। वी आर जस्ट फॉलोइंग देम। सुबह की फर्स्ट मील केचप। सुबह का नाश्ता।
शॉपिंग शुरू हो गई है, डब्बा ले लिया मेरे भाई ने, रख यार। यहाँ चल रही है शॉपिंग, क्या क्या खरीदा इसने यार? तू यार अपने कैमरा बंद कर यार, मैं वीडियो में डाल दूंगा तेरे को। यार इसकी हद है, कुछ लेना जल्दी बताओ यार। वो तो गया, इसमें कुछ है नहीं ना। और काम मिल गया, आजो आजो। नया काम ले लिया मैंने, अब यहाँ पे पार्किंग का काम करूंगा आज से मैं। सेशन चल रहा है गाइस। भाई हमारा ये सीधा पकड़, सीधा भाई हमारा। थोड़ा तो आगे बैठ रहे, पीछे बैठेगा? मैं आगे बैठू। बाय बाय। अगर सबसे घटिया ड्राइवर दुनिया में होगा तो ये होगा, कंटेनर ब्लैक कलर का ड्राइवर जो है। और ये जो पीछे बैठा है ये हमारा भाई है, ये हमारा कैमरामैन है। ये देख रहे हो पीछे ऊपर कैसे ये इसका स्टैंड लगे हुए हमारे, ये रूफ रैक है। रोमिक का कोई फायदा नहीं है, ये रूफ रैक है, रूफ रैक है, लेकिन हमारे बैग पीछे पड़े हुए। बिकॉज वी हैव एनफ स्पेस इन आवर कार। सी आई विल शो यू, सी दिस, सब ऐसे ही बड़ा हुआ है सामान, ऐसे बड़ा हुआ है। आई डोंट थिंक दैट वी आर नीडेड ऑफ द रैक, डोंट यू थिंक सो मैगडी? यस, वी हैव टू थ्रो दिस आउट नाउ। नाउ भाई की इंग्लिश जरूर चेक करना आप, जो भी इंग्लिश बोलते हैं ना गजब होती है। अंकित नाम है मेरे भाई का, इसको अलग 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 नामों से जाना जाता है, जो कि मैं बताना नहीं चाहूंगा वीडियो में, क्योंकि शेयर वाले भी देखेंगे। एंड दिस इज मी अगेन, यो माइडी, यो माइडी। नाउ रास्ते के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप, बता रहे थे। Yes, the thing is now you can see this is the perfect way to go Katra. We are heading towards Katra and the time is now 6:58 AM. रास्ते में हमें थोड़ा सा इशू आया, किसान आंदोलन किलोमीटर का स्ट्रेच था, थोड़ा एक्टिक था, उसमें हमें लगे तकरीबन आधा घंटा ट्रैफिक से फंसते फंसाते हैं। And the bad news is गरम धरम। और हाँ, अगर मेरे फ्रेंड को अंकित दस वन अंकित टू yes. इसको गरम धरम पे खाने का बहुत शौक है। Excuse me, I am the one. He is two. Yes. ये नकली ढाबे पे खाता है, कोई इसकी आदत है, लेकिन हमें गरम धरम पे खाना था, लेकिन गरम धरम बैड न्यूज बंद हो चुका है। बंद हो चुका है, या वेरी बैड। वो तो ये रोने वाला था, लेकिन मैंने चुप करा दिया इसको। पाजी कहाँ हो तुसी किथे हो? यस, सो दिस इज द न्यू अपडेट। 7 बज चुके हैं, अभी तो बहुत लंबी जर्नी बाकी है। मेरे हिसाब से हम तकरीबन शाम को 5 बजे पहुंचेंगे, तकरीबन 10 घंटे तो गाड़ी अभी चलानी बाकी है। गाइस हम पहुंच चुके हैं लुधियाना और हम रुके हैं इसमें स्टेला में कॉफ़ी वगैरह के लिए। लेट्स सी हाउ वी गो। नमस्ते कार, आज हम खड़े हैं ब्लैक कलर की ब्लैक कोबरा के सामने, और आज हम खड़े हैं मोटी सी फीएट के सामने। एक बार दोबारा बोलिए, मैंने सुन नहीं पाया। मोटी सी फीएट है हमारी, ब्लैक कलर की ब्लैक कोबरा के सामने। अच्छा, ये मोटी फीएट है, मोटी फीएट। ऐसे छुपाने से नहीं छुपेगा। अपना कैमरा भी सेल्फी होती तो काशिश में घुमा दो, एक बार अपना भी दिखा दो। नीचे नीचे पेट बीएम दिखा ये सांस ले सकते हो, मर मत जाना। ये अभी तक गाड़ी बहुत बढ़िया चलाते हुए आए हैं, तकरीबन 300 किलोमीटर से, अभी और भी यही चलाएंगे भाई साहब। जलंधर को रुकते हैं, सैंडविच इसे जलंधर चलोगी? ये तो खाएगा नहीं, एज यूजुअल ऑलवेज। हां जी, हां जी। और ये है मेरा दोस्त, 10 बार गाड़ी चेक कर चुका है, ब्लॉक किए नहीं किए, दोबारा लॉक चेक करने गया फॉर ऑब्वियस रीजन, पैसे रखे हैं उसने।
और ये हमेशा डाउट में रहता है, बस पड़ेगा फिर से। देखो हंस के दिखाओ, नो हंसे, सैंडविच खाइए सैंडविच। ये देखो हमारा हाथी। नमस्ते कार नहीं आया, नमस्ते कार लेके जाओ गाड़ी तक। नमस्ते कार नहीं आया। नमस्ते कार, आज हमारे साथ एक गाड़ी ब्लैक कलर का कोबरा ये है, और दूसरी गाड़ी है ब्लैक एंडेवर। अब हमारे भाई चला के दिखाएंगे इसको 200 किलोमीटर और। एक और हॉल्ट, तकरीबन अभी 4 घंटे गाड़ी और चलानी है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, रोड भी बहुत प्यारा है, ग्रीनरी चारों तरफ फैली हुई है, गजब ग्रीनरी। अब बारी है मेरी गाड़ी चलाने की, नॉट माय टर्न टू ड्राइव। हे माइडी, यो व्हाट्स अप गाइस, हेलो गाइस। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं, कहां पर, तकरीबन हम जम्मू पहुंच गए हैं, और अभी बाकी है तकरीबन 90 किलोमीटर पठानकोट, और सामने बहुत अच्छी वादियां दिख रही हैं। मुझे पता नहीं है कैमरे में आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, बट स्टिल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, सी द ग्रीनरी हियर एंड आई एम हैविंग गुड टाइम विद माय गाइस। रेलवे ट्रैक क्रॉसिंग, हम पहुंच चुके हैं। तक ये है हमारा एक्साइज एंड कमर्शियल टैक्स ऑफिस, टेकर है टैक्स, समझ नहीं आ रहा है, बेड़ा बीच में आ गया है। अरे मेरी तरफ देखो ना भैया, कहाँ देख रहे हो, वो देखो बहुत जल्दी में है। और यहाँ पे एक हमारा पास बनना है, कार पास है, और हमारे नाम वाम वगैरह डिटेल्स लिखी जाएंगी, तो उसकी डिटेल लेके एक छोटा सा पास मिलेगा। कॉस्टिंग में थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। दिस इज द बिल्डिंग ऑन फर्स्ट फ्लोर, वी हैव टू गो, और के पास निकलने के बाद मैं आपको बताता हूँ आगे हम कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कैसे आगे जाते हैं। सो मैं आ गया हूँ एक अपडेट के साथ कि हमें ये कुछ इस तरह का फॉर्म मिलता है एंट्री में जम्मू के लिए, जो हमें डिटेल्स भर के देना है। इसके बाद एक पास हमें इशू होगा, उसके बाद हम उस बॉर्डर से, जो कि वो बॉर्डर है, उससे हम जम्मू में एंटर कर सकते हैं। विदाउट दिस हम लोग जम्मू में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। तो अब जस्ट फॉर्म भरते हैं, जिसमें हम अपने नाम लिखेंगे, पेरेंटेज, मोबाइल नंबर एंड पर्पज़ फॉर जर्नी। अभिषेक क्या है जो मैंने आपको अभी फॉर्म दिखाया था, उस फॉर्म को आप फिल आउट करेंगे, रीज़न फॉर विजिट आप उसमें मेंशन करो, कितने जने हो, सबके मोबाइल नंबर और गाड़ी नंबर जिसके साथ आप ट्रैवल कर रहे हो उसको मेंशन करिए, साइन कीजिए, यहाँ पे सबमिट कर दो, उसकी फ़ोन में फोटोग्राफ ले लो, और उसके बाद एंट्री के टाइम पर आपको अपनी फ़ोन में फोटोग्राफ दिखानी है, एंड सिंपल, नो चार्जेस, नथिंग। जो पुलिस वाले हैं ये आपके पास को चेक करते हैं आपके मोबाइल के थ्रू, जो कि मेरे दोस्त के पास है अभी, इन कुछ फोटो शो करेंगे कि कितने बंदे चेक करेंगे, और उसके बाद विल गुड टू गो टू जम्मू। चलो धन्यवाद सर, धन्यवाद। कहाँ जा रहे हो सर? हम जय माता दी। जय माता की कोविड टेस्ट करवाया है? हाँ। अब कब करवाया था? परसों। अब कोविड टेस्ट की वैसे जरूरत है नहीं, लेकिन इनको अभी तक इन्फॉर्मेशन पूरी है नहीं, पर वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। गाइस जैसा आप देख सकते हैं कि पहाड़ शुरू हो चुके हैं, और अब हमारी जर्नी तकरीबन रह गई है 40 किलोमीटर की। आगे कुछ बर्फ़ के पहाड़ भी दिखने लग गए हैं, मुझे लगता नहीं है कि गोपरों में वो आ पाएगा, और तब तक आप टाइम रैप एंजॉय कीजिए। हम लोग तकरीबन 1 घंटे में पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। सी यू गाइस। Finally we have reached, there is माता का दरबार over there। यहाँ से मुझे लगता नहीं है क्योंकि बारिश का मौसम हो चुका है, दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा, आप आसमान को मौसम को देख सकते हो, काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। तकरीबन गाड़ी हमारी चल चुकी है 680 किलोमीटर्स, और डीजल ऑलमोस्ट एम्प्टी था, तो अभी हमने स्टार्ट किया है फुल कराने के लिए, तो वी सी हाउ वी गो। मेरे दोस्त सब नींद में है, ये भी नींद में है, वो भी नींद में है, सबको टेंशन क्या हो रही है कि यहाँ से, मतलब बेस लाइन से, यहाँ से शुरू करके ऊपर तक जाना है, और हम सारे थक चुके हैं काफ़ी हद तक।
सीधे से अब देखते हैं कितने का डीजल आता है इसमें। यार बहुत हेक्टिक जर्नी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा चला चला के थक चुके हैं, भूखे भी हैं। अब हमारा प्लान ये है कि हम कटरा में रुकेंगे नहीं, मतलब आगे जाएंगे, ऊपर की यात्रा कंटिन्यू करेंगे पहुँचते ही, और ऊपर जाके रुकेंगे क्योंकि कुछ VIP पासेस कुछ अरेंज किए हैं या फिर बुक किए हैं हम लोग स्पेशल दर्शन के लिए। तो वहाँ से देखते हैं आगे तक कैसे जा पाते हैं, बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं, हम 5 मंजिल अपने घर पे नहीं चढ़ पाते हैं, वहाँ पे कैसे चढ़ेंगे। मेरे दोस्त को इसी बात का डर लग रहा है कि हम लोग चढ़ कैसे पाएंगे। सो देखते हैं, ये चल रहा है डीजल। ये मेरा भाई, बाल बहुत सिल्की है इस मेरे भाई के। ये मेरे कैशियर, फाइनेंसर, मोटी तोंद वाले मांबा। मेरे दोस्तों सामने ये यात्रा के जो ये नीले नीले रास्ते दिख रहे हैं आपको, यहीं से नीचे से यात्रा शुरू होगी जो कि हमें बहुत मुश्किल लग रहा है चढ़ने के लिए। सबसे ज़्यादा तो मेरे दोस्त पीछे वाले को लग रहा है, मैनेजर साहब को, मांबाव को, पता नहीं कैसे पूरी करेंगे, अटैक सा बढ़ गया इसको। तो ये कह रहा खच्चर बुक कर दो, मैंने कहा मेरे खच्चर के ऊपर गधा थोड़ी अच्छा लगेगा। ये हमें, ये हमारा गुलाब जामुन है और ये हमारी मार्केट गाइस। अभी हम जस्ट पहुंचे 1 घंटा पहले, अभी कुछ खा पी के फिर हम जस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। और कितना खाया? और नहीं खा सकता भाई मैं, थैंक यू। ये मेन बस स्टैंड यहाँ का, वो ऊपर दरबार है माता का। और ये मेरे दोनों दोस्त डीले, पता नहीं क्या क्या खा खा के चल रहे हैं, और ये मैं चल रहा हूँ। अब हम बस अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। मे भी मतलब शूज़ चेंज करने हैं, थोड़े से कपड़े कैरी करने हैं और वो सामान परचेज करके विल गो अप देयर। जय माता दी। फाइनली वी हैव रीच्ड हियर। हेलो, अरे 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 चला जाएगा। बोड़े, बोड़े। नहीं चाहिए भाई, थैंक यू। जय माता दी। दैट इज द प्लेस वेयर योर लगेज गेट चेक्ड। सॉरी। उसके बाद वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर जर्नी। फेल हो गया मेरा भाई, इधर देख के बात तो कर ले कुछ। फेल, 1 किलोमीटर में फेल हो चुका है, इसका फोन नहीं रखा जाता। और मैं डबल फेल, और मैं खुद, और मैं चले यार, कुछ नहीं बोल पा रहा है। साले के सांस फूल के बोलते हुए बोल रहा है। वी हैव ऑलमोस्ट ट्रेवल 2 किलोमीटर और हालत बहुत ज़्यादा बुरी है मेरे भाई की इसकी। इसने कन्फर्म कर दिया कि वापसी हेलीकॉप्टर में ही आएगा भाई। हेलो अंकित, आप हेलीकॉप्टर से आओगे? नहीं। कितनी बार बोलोगे? आदत नहीं है बिल्कुल, ये भी फर्स्ट हो चुका है, फर्स्ट डेड। टू मच टायरिंग मैन, आदत हम दोनों को ही नहीं है। चलो देखते हैं, वी कंटिन्यू द जर्नी। हेलो, दिखाई दे मैप, दिखा। यहाँ पर मेरा भाई मैप देख रहा है पैदल के लिए, कह रहा कौन सा रास्ता सस्ता पर जल्दी पहुंचाएगा। सस्ता नहीं होता, छोटा होता है, 10 मिनट जल्दी पहुंचाएगा।
हालत हो चुकी है भाई की बुरी। अबे टट्टू रास्ता देखे जा रहा है, रास्ता देखो नियम। चार किलोमीटर आ चुके हैं। वेरी गुड, 4 किलोमीटर आ चुके हो। कितने किलोमीटर हो गए? अभी 2 किलोमीटर आ गए। ये लो 4 किलोमीटर में हालत हो गई हमारी यार। हमारी नहीं तेरी है। अब इसको नया रास्ता पुराना रास्ता सब नजर आ रहा है। नया रास्ता ज्यादा है ना, 3 किलोमीटर ज्यादा है। 3 किलोमीटर ज्यादा है। कोई मिलने आया मुझसे? सी माय फ्रेंड, रास्ते मिल गई। हेलो, गाय भी खाती है अंदर? गाय खाएगी ना? दो। हेलो गाइस, एक दोस्त ने हमारा साथ छोड़ दिया है जस्ट बिकॉज उसको थोड़ा लालच आ गया इसके ऊपर। कह रहा है मेरे पाँव में दर्द है। फॉर ऑब्वियस रीजन हमें पहले ही पता था कि वो साथ छोड़ने ही वाला है, पर अंकित और मैं, छोटे वाला अंकित और मैं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे पैदल ही। तो अभी बाकी है तकरीब, अर्धकुंवारी हम पहुँच चुके हैं। विल टेक मे बी लाइक 2 आवर्स टू कम्प्लीट द जर्नी नाउ। सी यू गाइस, see up there. This is the way towards Bhavan. वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ से शूटिंग कर रहा हूँ। और ये हमारे रूम्स हैं जहाँ पे हम रुके हैं, द सेकेंड नंबर। वहाँ पे कैंटीन है जो कि मतलब इफ़ यू बुक अ रूम या फिर स्पेशल दर्शन आप बुक करते हो तो आपको कैंटीन में खाना फ्री मिलता है। अगर कोई एडिशनल कोई खाना खाने के लिए आता है उसको तकरीबन 135 या 150 रुपये देने पड़ते हैं फॉर स्टेइंग हेयर और फॉर हैविंग फूड। ये अब रास्ता हमें कैसे फॉलो करना है, यहाँ से वापस जाके नीचे से सेम ट्रैक फॉलो करते हुए हमें जाना है वहाँ से, वो है ट्रॉली कार विल टेक यू टू द भैरव बाबा। वहाँ पर दर्शन करके सर वापसी, एंड देन वी गोना स्टार्ट फ्रॉम देयर बैक डाउन। देयर है तकरीबन 12 किलोमीटर, वी गो देयर। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको गाइस रास्ते में देता हूँ, हाउ यू स्टार्ट, हाउ यू जर्नी, हाउ यू बुक द टिकट्स और कौन सा रास्ता आप फॉलो करते हो, कौन किधर जाते हो किधर नहीं जाते हो। तो अभी मैं थोड़ी देर में रुकता हूँ फिर आपको बताता हूँ। बारिश हो रही है सुबह से, तकरीबन 4-5 घंटे से बारिश चल रही है, रुक नहीं रही है। ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दिस इज़ द सिनेरियो गाइस, आई अपडेट यू सून गाइस। नाउ कल हम तकरीबन पहुंच गए थे यहाँ पे कटरा में 3:30-4 बजे। उसके बाद हमने निहारिका भवन से अपनी बुकिंग करी, क्योंकि जनरली जो VIP दर्शन होते हैं ऊपर के, निहारिका भवन जो बस स्टैंड के ऊपर है वहीं पे प्रेजेंट मिलेगा आपको। निहारिका भवन से हमने बुकिंग करी और वहाँ से हमने VIP दर्शन बुक किए। तकरीबन मेरे दोस्तों ने 26,000 रुपये दिए उस चीज़ के पर पर्सन। VIP दर्शन में होता जनरली क्या है कि आप बिल्कुल जहाँ से चौकी लगती है माता की उसके जस्ट सामने ही बैठना होता है, सबसे फर्स्ट रो की होती है। और अगर आप जनरल वैसे VIP दर्शन करना चाहते हैं तो आपके तकरीबन 2,000 रुपये पर पर्सन लगते हैं। वो उनसे तकरीबन 10 फीट दूर बैठते हैं, वहाँ पे लाइंस लगती हैं जो भी है। और अगर आप कब फर्स्ट सेगमेंट में आपको लगता है 26,000 रुपये और सेकंड वाले में लगते हैं 48,000 रुपये, मतलब अगर आप दो जने हो 26×2=52,000 होता है, 52,000 होता है। लेकिन उन्होंने डिस्काउंट सिनेरियो सेट किया हुआ है कुछ, 26,000 रुपये फर्स्ट पर्सन, 52 की जगह 48 कर दिया है, तीन जने होंगे तो 71,000 और चार जने होंगे तो 1,21,000 कुछ ऐसा डिसाइड किया हुआ है उन लोगों ने। और अगर जब आप निहारिका भवन से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं जब हम कटरा में अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि हम लोग कटरा में दो रास्ते निकलते हैं टुवर्ड्स वैष्णो देवी, एक है पुराना रास्ता एक है नया रास्ता। पुराने रास्ते में आपको मिलेंगे खच्चर, जो भी घोड़े होते हैं वो जनरली वहाँ पर मिलते हैं और वो ना काफ़ी पॉपुलेटेड डेंस रहता है, काफ़ी मार्केट सी रहती है। उस मार्केट को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप नया रास्ता ले सकते हैं जो कि बहुत खाली है, लेकिन उसमें आपको खच्चर मिलेगा ना लोग मिलेंगे, मतलब कोई ना शॉप्स होंगी ना दुकानें, कुछ भी नहीं, मतलब खाली खाली स्थान सा लगेगा।
तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो पहली बार जब आप अर्धकुंवारी के लिए निकलें तो पहले जो रास्ता लेंगे आप वो रास्ता लें पुराने वाला जिसमें खच्चर घोड़े वगैरह सब चलते हैं, जिससे आपको एक फील आ जाती है व्हेन यू ट्रैवल ना कि आप यात्रा के लिए जा रहे हैं। अर्धकुंवारी पहुँचने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप नया रास्ता लो जिसके ऊपर बैटरी रिक्शा चलते हैं, बैटरी रिक्शा जैसे जो कैब्स होती हैं जो 7 बंदों को कैरी करती हैं वो आपको ऊपर भवन तक छोड़ देंगी, जिसके लिए वो चार्ज करते हैं 334 रुपये पर पर्सन। और अगर आप वही रास्ते पे पैदल चलना चाहते हैं उस पर भी ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन अगर आप खच्चर करते हैं तो आपको फिर से अर्धकुंवारी से पुराना रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। पुराने रास्ते के लिए आपको थोड़ी सी हाइट में चलना पड़ता है और वो थोड़ा सा पॉपुलेटेड है क्योंकि मार्केट्स हैं वहाँ पे, दुकानें काफ़ी हैं, मैगी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जनरली अगर आप पैदल बाय योरसेल्फ ट्रैवल कर रहे हो तो आप खुद ही ट्रैवल कीजिए, मतलब खुद ही मतलब नए रास्ते से ट्रैवल कीजिए, क्योंकि वो बहुत साफ है, बहुत स्मूथ है, मतलब इतनी पीक नहीं है। और जो मैंने एक्सपीरियंस किया इस जर्नी के थ्रू ना, कि जब भी आप ट्रैवल करते हो आप थक जाते हो, आपका मन नहीं करता है कि आप हार मानने की कगार पे होते हो। मैंने जो नोटिस किया अपने साथ, मैं कभी भी ऊपर की तरफ नहीं देखता हूँ, क्योंकि जब हाइट दिखती है तो मेरा मनोबल जो कह सकते हो आप थोड़ा डाउन हो जाता है कि मैं नहीं चढ़ पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नीचे देखूँगा और छोटे छोटे स्टेप्स रखूँगा। ज़्यादा लंबे स्टेप्स रखने से दिक्कत मुझे ये हो रही थी कि मैं थक जल्दी रहा था, मेरी सांसें जल्दी फूल रही थी, तो मैं छोटे स्टेप ले रहा था और नीचे देख रहा था, चले जा रहा था, सोच नहीं रहा था। बीच में मैंने काफ़ी ब्रेक्स लिए क्योंकि मुझे जनरली आदत नहीं है चलने की, चलते रहे और उसके बाद मेरे हिसाब से 4-4.25 घंटे में मैंने अपनी जर्नी कंप्लीट की। फर्स्ट स्टेप कटरा के बाद मैंने लिया पुराना रास्ता, पुराने रास्ते अर्धकुंवारी पहुँचने के बाद मैंने वहाँ से लिया नया रास्ता जिसपे बैटरी रिक्शा चलते हैं, जो उनके बैटरी की गाड़ियाँ कह लो आप वो चलती हैं। अब मेन आता है कि आप कटरा मतलब ये यात्रा करना चाहते हैं तो कटरा तक कैसे पहुँचेंगे। दिल्ली से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो दिल्ली से 3-4 रास्ते हैं हमारे पास। एक हमारे पास बस का रास्ता जो कि हम कश्मीरी गेट से बस ले सकते हैं, जो डायरेक्टली आपको कटरा छोड़ती है। कटरा बस स्टॉप पे आप निहारिका भवन से बुकिंग कर सकते हैं, VIP दर्शन है या होटल्स हैं कुछ भी, या फिर आप कटरा में खुद रुक सकते हैं। और सेकेंडरी जो ऑप्शन है आपके पास बाय रोड तो आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। फिर वही सिनेरियो क्योंकि अगर आप वहाँ से कटरा में स्टॉप करते हो, कटरा में आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, गाड़ी छोड़ोगे फिर आपको वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट करनी पड़ती है। वहाँ से क्या कर सकते हैं, एक ऑटो बुक कर सकते हैं जो कि आपसे चार्ज करेगा 100 रुपये, मांगते वो बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन आपसे हमसे जो मांगे थे उन्होंने 200 रुपये मांगे थे, फिर उन्होंने 150 बोला, 3 जने थे हम लोग क्योंकि वो बस स्टैंड से यात्रा तक हमें स्टार्ट करना था, वहाँ तक हम पहुँचे 100 रुपये में और उसके बाद हमने अपनी यात्रा शुरू की। तो स्टार्टिंग में जब हम ट्रेवल करते हैं इट्स लाइक वेरी हेक्टिक, बहुत मुश्किल होता है ऊपर चढ़ने के लिए। जब आप ऊपर चढ़ते चले जाते हैं 4.5 घंटे नॉर्मल बंदे के लगते हैं, जो रेगुलर बंदे 2.5-3 घंटे में ही पूरा कर देते हैं। मैं जानता हूं कुछ लोगों को जो 2.5-2.5 घंटे में ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे बस की नहीं है सब चीज़ें करना। तो मैं रिकमेंड करूँगा 4-4.5 आराम से आओ, धीरे धीरे आओ। उसके बाद जब आप वापसी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, क्योंकि वो डिक्लाइन मोड में होता है और उसमें आप उसको कंप्लीट कर सकते हो 2.5-3 घंटे में वापसी में, क्योंकि वो स्टीप नहीं होती है, मतलब ऐसे ही उतरना है आपको, पर आपको अपना बैलेंस का ध्यान रखना है क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो चढ़ते हो ऊपर तो आपके पैरों की नसें टाइट हो जाती हैं, आप चढ़ नहीं पाते हो उस हिसाब से, ना उतर पाते हो। तो इससे तो थोड़ा सा धीरे चलो और सीढ़ियों का यूज़ कभी नहीं करना है, कभी नहीं, ना चढ़ने के लिए कोई आपको बोलता है कि सीढ़ियों का यूज़ कीजिए, फ़ायदा होगा आपको, जल्दी चढ़ोगे जल्दी उतरोगे, नहीं, जब आप नीचे पहुँच जाओगे तो आपको बहुत नुकसान होगा उस चीज़ का। मेरा टीका शायद फैल गया थोड़ा, तो इसलिए नेवर यूज़ स्टेयर्स, स्टेयर्स आप अपने होटल्स के लिए यूज़ कीजिए बस, स्टेयर्स का यूज़ कभी मत करना। थैंक यू गाइस। दिस इज अ ट्रॉली विच कैरीज अराउंड 35 पैसेंजर्स एट अ टाइम, 35 पैसेंजर्स साथ जा रहे हैं और पर बंदा रिटर्न टिकट है 100 रुपीज एंड दैट इज द भवन देव। सी घोड़े वाला मेंबर अपना, इसे हमेशा घोड़े पे जाना है, मैं तो साथ ही हूँ और ये हमारा फोटोग्राफर अंकित। भवन ट्रॉली एंट्री हो चुकी है और ये ऊपर से एक ट्रॉली आ गई है, 100 रुपीज पर पर्सन अप डाउन रिटर्न फेयर। इसको सुधारो यार, दुखी कर दिया इसने यार। ये आ गई है ट्रॉली, मौसम देख लो, इट बिकम्स वेरी स्लो व्हेन इट रीचेस टू द एंड पॉइंट।
गाइस वी आर इनसाइड दिस केबल कार टू मच लाउड बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर आई शो यू कि अंदर से कैसा व्यू लगता है इसका यू कैन सी आफ्टर लाइक 5 और 10 सेकंड विल स्टार्ट हेलो गाइस मैंने वापसी टूवर्ड्स कटरा स्टार्ट कर दिया है मेरा फ्रेंड आगे चल रहा है और एक कैब में चला गया है बिकॉज इज रियली टायर्ड और उसके पैरों में बहुत दर्द है सो इसके अपडेट और अब हम बढ़ रहे हैं क्वारी की तरफ इट्स गोना टेक लाइक 1.5 आवर टू रीच देयर देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वारी टू कटरा उसके बाद विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक बैक टू दिल्ली बाय बाय सी हाँ जी थक गए ना नॉट एट ऑल माता रानी की कृपा है वेरी गुड सर हम दोनों ने ही फाइट दी है चलने की दोनों वेले हैं पूरे और एक हमारा डीला तो जा ही चुका है जय माता दी गाइस वी शुड डेफिनेटली कम हियर नए रास्ते पे पहुंच गए हैं अर्थक्वारी के बाद नया रास्ता बन गया है कि और ये काफ़ी हद तक साफ है कोई घोड़े वाला नहीं है कोई मार्केट नहीं है कोई कुछ नहीं अगर कोई फैमिली या अपने दोस्तों के साथ आ रहा है बातें करता हुआ प्लेजेंटली ट्रेवल करना चाहता है यू शुड फॉलो द न्यू ट्रैक फ्रॉम कटरा से अर्थक्वारी थोड़ा 1.5 किलोमीटर फालतू पड़ेगा आपको बट इट्स ऑलवेज बेटर टू ट्रैवल अलोन अपने पर्सनल बात कर सकते हो कोई स्मेल नहीं आएगी हमारी गलती हुई स्टार्टिंग में कि हम लोगों ने वो ट्रैक फॉलो किया दिस इज मच बेटर See this, very much clean. The view, guys. ये पीछे जो व्यू है see this, कितना सुंदर लग रहा है Looks amazing. जब आप आएंगे बारिश के टाइम पर ये ऐसा मौसम मिलने वाला है आपको You should definitely visit. Come soon, guys. और यहाँ के लोकल बंदों को ज़रूर हेल्प करना ये लोग जो बैठे हुए हैं इनकी ज़रूर हेल्प करनी से हेलो क्या जय माता दी और ज़रूर आना है यहाँ पे जय माता दी जरूर आना यहाँ पर हम आपका इंतज़ार करेंगे जय माता इंतज़ार करेंगे आपका चलो शुक्रिया
हेलो 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 हेलो, हम लोग नीचे पहुंच गए तकरीबन 3 घंटे के अंदर, और उसका डेड टायर्ड, कैमरा उठाने का मन नहीं है बिल्कुल भी। और हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, तकरीबन 4:10 हो चुके हैं, और मे बी सुबह तक हम पहुंच पाएंगे, ये भी 12 घंटे या जो भी, वट एवर टाइम इट टेक्स। बहुत थक चुके हैं, मुझे लगता नहीं अब बीच में अब कैमरा उठा पाऊँगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, थैंक यू गाइस। बाकी कुछ और डिटेल्स होंगी, आई शेयर दैट लेटर, थैंक यू, बाय बाय। कमेंट्स करते रहना, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड हिट द बेल आइकन। कैप्री सनी ऑन यूट्यूब, थैंक यू।